गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले दो वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें हम लोगों ने न्यू एवोल्यूशनिज्म को स्टार्ट कर दिया था, और उसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले जूलियन स्टीवर्ट को देखा था, जूलियन स्टीवर्ट की मल्टीलिनियल इवोल्यूशन की थ्योरी देखी थी, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उन्होंने कैसे कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच का यूज किया था वो हम लोगों ने स्टडी किया था। देन उसके अगले लेक्चर में हम लोगों ने न्यू एवोल्यूशनिज्म के अंदर यूनिवर्सल एवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे गॉर्डन चाइल्ड को हम लोगों ने स्टडी किया था, और उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे उन्होंने यूनिवर्सल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने डार्विनियन मेथडोलॉजी या फिर मटेरियलिस्टिक मेथडोलॉजी का यूज करके कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे हमने देखा था कि उन्होंने एनर्जी को कोर में रखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि क्या था, जूलियन स्टीवर्ट के बारे में हमने देखा था कि वो टेक्नोलॉजी को कोर में रखते, पर आप जैसे ही यूनिवर्सल एवोल्यूशन पे आ जाते हो तो ये लोगों का जो फोकस होता है वो एनर्जी पे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी का यूज करके तो आप एनर्जी ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, राइट? तो इनके हिसाब से टेक्नोलॉजी इज सेकेंडरी, है ना? तो कोर पे ये लोग एनर्जी को रखते हैं। अब आज हम लेस्ली वाइट के बारे में देखने वाले हैं कि लेस्ली वाइट का यूनिवर्सल एवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है? तो जो लेस्ली वाइट थे ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने क्या बोला था, तो देखो हमें पता है कि यूनिवर्सल एवोल्यूशन जो है इट इज कंसर्न्ड विद ओवरऑल मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री, नॉट एनी स्पेसिफिक कल्चर। तो यही तो इन लोगों ने, ये ही तो सेटबैक था एक मल्टीलिनियल एवोल्यूशन का, क्योंकि मल्टीलिनियल एवोल्यूशन डाइवर्सिटी पे फोकस करता है कि अलग, उन्होंने बोला था ना कि कल्चर इवॉल्व्स इन मल्टीपल लाइंस अक्रॉस वेरियस एरियाज, तो उनका फोकस था कि जो कल्चर होता है वो अलग अलग लाइंस के अराउंड इवॉल्व होता है। तो यूनिवर्सल एवोल्यूशन वाली जो थ्योरी आई इसमें ये इनका फोकस एक स्पेसिफिक कल्चर पे नहीं था, रेदर एक ओवरऑल मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री या ओवरऑल मूवमेंट ऑफ कल्चर पे उनका फोकस था, क्योंकि ये एक पैन इंडिया थ्योरी, ये एक पैन ग्लोबल थ्योरी देना चाहते थे जो पूरे वर्ल्ड के लिए अप्लाई हो, यूनिवर्सल एवोल्यूशन। तो वाइट इंसिस्टेड दैट एवोल्यूशनरी थ्योरीज डिड नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक सिक्वेंसेस ऑफ हिस्टोरिकल चेंज, बट रादर फोकस्ड ऑन द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एज अ होल। तो ये वही चीज है, इन्होंने एवोल्यूशनरी थ्योरी जो आई थी पहले उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि जो एवोल्यूशनरी थ्योरीज थी वो कोई एक स्पेसिफिक सिक्वेंस को नहीं बता रहे थे हिस्टोरिकल चेंज के, रादर इनका जो फोकस था वो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर पे था, कि ओवरऑल ह्यूमन कल्चर कैसे ओरिजिनेट होता है या इवॉल्व होता है। थर्ड पॉइंट, ही फॉर्मुलेटेड अ लॉ टू एक्सप्लेन द जनरल एवोल्यूशन ऑफ कल्चर विच स्टेटेड दैट कल्चर इवॉल्व इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड पर कैपिटा पर ईयर और बाय एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ पुटिंग दिस एनर्जी टू वर्क। देखो इनका सीधा सीधा फोकस ये था, जो आपके लेस्ली वाइट थे, इनका ये मानना था कि अगर आपको कल्चर का इवोल्यूशन देखना है, हाँ, तो इनका सिंपल सा मतलब ये था कि अगर आपको किसी कल्चर के इवोल्यूशन को देखना है ना, कि कल्चर कैसे इवॉल्व करेगा, है ना, जनरल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, तो इनके हिसाब से वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इवॉल्व कर पाता है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना, वो कल्चर के अंदर लोग कितनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं एनवायरमेंट से, है ना, और उसके लिए उनके पास कितनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी तो आप जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे अपने यूटिलाइजेशन के लिए, है ना, एंड आप जो एक्सट्रैक्टेड एनर्जी है, जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनवायरमेंट से, उसको आप कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो, है ना, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज ही नहीं करोगे, है ना, तो एनर्जी है वो अनयूटिलाइज्ड रह जाएगी, तो उससे आपका कल्चर नहीं डेवलप हो पाएगा, है ना। तो इनका मानना ये था, इन्होंने एक लॉ दिया था, हम आगे जाके उस लॉ के बारे में देखेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लॉ दिया था इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, वैसे इनका भी एक लॉ रहता है, तो वो हम आगे जाके देखने वाले। तो ये पॉइंट आप समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लेस्ली वाइट सॉ एनर्जी और मोर एक्यूरेटली द मॉडल ऑफ हार्नेसिंग इट एंड पुटिंग इट टू ह्यूमन यूज एज द की कॉम्पोनेंट इन हाउ सोसाइटीज इवॉल्व एंड चेंज्ड। देखो भाई सिंपल सी बात है,
थे तो ये भी इवोल्यूशनिस्ट है ना, क्योंकि हम लोग न्यू इवोल्यूशन स्कूल पढ़ रहे हैं, तो इनका एम भी यही था कि कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है। तो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट की वीकनेस थी उसको ये कंसिडर करने वाले थे, और उसके अगेंस्ट ये कुछ अपने नए प्रोपोजिशंस देने वाले थे। तो इन्होंने यही बोला कि बेसिकली जो लेस्ली वाइट है वो एनर्जी को कोर में रखते हैं। पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है ना, एनर्जी पे मेन फोकस है इनका, कोर में रखना इन द सेंस कल्चर कोर ये मान के चलते हैं। मतलब जो किसी भी कल्चर को आप मेन स्टडी करोगे तो उसके अंदर आप एनर्जी को कर इम्पोर्टेंस दोगे। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को प्राइमरी मानते हैं, और इनके हिसाब से आपके पास जो मॉडल है, मॉडल इन द सेंस जो आपके पास टेक्नोलॉजी है एनर्जी को हार्नेस करने की, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने की, देन उसको पुटिंग इट इनटू ह्यूमन यूज, उसको ह्यूमन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की है ना, मतलब उससे आउटपुट जनरेट करने की। तो इसी कंपोनेंट के बेसिस पे आपकी सोसाइटीज इवॉल्व हुई है। मतलब आपकी पर्टिकुलर एक किसी कल्चर में आपके पास कितनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, उस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की मदद से आप कितनी एफिशिएंटली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, देन उसको कितने अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कल्चर में हर सोसाइटी में ये चीज वेरी करेगी। तो जैसे जैसे कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएगी तो आपका कल्चर भी इवॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब इन्होंने ये थ्योरी कहाँ पे दी थी तो हमें पता होना चाहिए कि आपको इनकी बुक्स मेंशन करनी है तो आपको इनकी दो बुक्स का नाम याद रखना है, पहले तो द साइंस ऑफ कल्चर एंड दूसरा एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। अब देखो आप, इन्होंने भी जो जूलियन स्टीवर्ट थे उनकी उनसे ही प्रेरित थे ये, मतलब कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो रहती है, इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। तो इन्होंने भी कल्चर इकोलॉजी अप्रोच का ही यूज किया था है ना, जैसे कि जूलियन स्टीवर्ट ने किया था। बस डिफरेंस ये था कि इनका जो कल्चर कोर था उस पे इनका फोकस एनर्जी पे था। इनके हिसाब से टेक्नोलॉजी को सेकेंडरी मानना चाहिए और कल्चर को और एनर्जी को प्राइमरी मानना चाहिए ना, मेन फोकस आपका एनर्जी पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको एनर्जी ही चाहिए ना एनवायरमेंट से है ना। और जितने अच्छे तरीके से आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे मैक्सिमम एनर्जी, और जितने एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर पाओगे उतना ही आपका कल्चर प्रोग्रेस करेगा उसके हिसाब से ही। तो आप अगली स्टेज में चले जाओगे कल्चर की, राइट। तो अब आप देखो क्या बोल रहा है ये, थ्रू दिस अप्रोच ही ट्राइड टू एनालाइज व्हाट कॉजेज दी प्रोग्रेस एंड हाउ इट वर्क्ड। प्रोग्रेस मतलब कल्चर कैसे प्रोग्रेस हुआ, तो ये अप्रोच का यूज करके उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की। इनके हिसाब से कल्चर इज प्राइमरीली अ मैकेनिज्म फॉर हार्नेशिंग एनर्जी एंड पुटिंग इन टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो देखो इनके हिसाब से जो कल्चर होता है उसका प्राइमरी रोल ये होता है कि कल्चर की मदद से आप एनर्जी को हार्नेस करते हो, मतलब एनर्जी को आप यूटिलाइज कर मतलब एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज करते हो, देन उसको आप ह्यूमन या मैनकाइंड के सर्विस में आप उसको लाते हो। क्या है ना कि आपने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया पर उसको आपको यूटिलाइज भी करना है, मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल होगी वो, जब भी तो उसका एक फंक्शन रहेगा, राइट। तो इनके हिसाब से कल्चर जो है वो एनर्जी हार्नेसिंग और एनर्जी यूटिलाइजेशन को फैसिलिटेट करता है ना, इट इज प्राइमरली या मैकेनिज्म। सेकेंडरी इनका क्या बोलना था कि कल्चर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है ताकि एनर्जी को सस्टेनेबली यूज किया जा सके। तो आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को हम लोग जब पेपर 2 में LP विद्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने एक मले ट्राइब्स की स्टडी की थी, और मले ट्राइब्स की स्टडी में उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया था कि वहां पे क्या हो रहा है कि डिफोरेस्टेशन काफी ज्यादा हो रहा है ना, तो जो फॉरेस्ट है वो काटे जा रहे हैं। अब फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो उनके उनकी एक बिलीफ है कि आप फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा तो उनकी डिपेंडेंस फॉरेस्ट पे ही है क्योंकि वो हिल्ट फॉरेस्ट ट्राइब्स है। तो इसलिए उन्होंने क्या एक एक उन्होंने उसको एक आप बोल सकते हो कि उसको एक स्पिरिचुअल चीज से जोड़ा है उन्होंने कि लोग फॉरेस्ट को नहीं काटे, उनके हिसाब से फॉरेस्ट में एक ईविल स्पिरिट रहती है गोसाइन नाम की, तो अगर आप फॉरेस्ट को कट करोगे तो वो जो गोसाइन है जो ईविल स्पिरिट है वो आपके पीछे पड़ जाएगी है ना। और इसके लिए उन्होंने और लॉज भी बनाए ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कल्चर में, उन्होंने पॉलीएंड्रस मैरिजेस होती है। पॉलीएंड्रस मैरिज में क्या होता है कि जो एक फीमेल होती है उसके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं है ना, तो ये भी एक रीजन है। तो इसमें वो यही बोलना चाह रहे हैं कि कल्चर पहले तो आपकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेगा, उसको यूटिलाइज करने में मदद करेगा, और दूसरी चीज वो ह्यूमन बिहेवियर को इस तरीके से रेगुलेट करेगा कि उन एनर्जी को सस्टेनेबली यूज कर पाओ आप है ना, एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। मतलब आप समझ रहे हो आपका कल्चर जो है वो पूरा एनर्जी के अराउंड घूम रहा है ना, ये इनकी थ्योरी थी।
अब इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था हम वो देख लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इनका फॉर्मूला था E इंटू टी इक्वल्स टू सी। अब देखो इसमें अगर आप देखो तो, अब देखो ये आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे अगर हम एनर्जी को बढ़ाते हैं, है ना, तो E क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल पर कैपिटा पर ईयर। तो जितनी ज्यादा एनर्जी पर कैपिटा पर ईयर, पर कैपिटा मतलब पर हेड, हर एक इंसान को उस सोसाइटी के अंदर हर एक मेंबर जो है उनको कितनी एनर्जी मिल रही है यूज करने के लिए, है ना, तो वो एनर्जी यहाँ पे हम देखें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी पर कैपिटा पर ईयर होगा, जितना आपका ज्यादा होगा, कल्चर आपका उतना प्रोग्रेस करेगा, है ना, क्योंकि ये इक्वल्स टू में कल्चर दिया हुआ है। और जितनी एफिशिएंट आपकी टेक्नोलॉजी होगी, उतना एफिशिएंटली आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे और उतना एफिशिएंटली आपका कल्चर अगेन इवॉल्व होगा। तो इधर पे ई क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल पर कैपिटा पर ईयर। टी क्या बता रहा है, एफिशिएंसी ऑफ टूल्स। देख रहे हो आप, जितना एफिशिएंट टूल्स उतनी ज्यादा एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे और उतने अच्छे से आपका कल्चर डेवलप होगा, इवॉल्व होगा। फिर सी क्या है, वही डिग्री ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट मैंने जो बताया। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, आप कल्चर को एनर्जी और टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट कर रहे हो यहाँ पे। तो ये कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि कल्चर एडवांसेस व्हेन द एनर्जी हार्वेस्टेड पर कैपिटा पर ईयर इंक्रीजेस और एफिशिएंसी बाय विच एनर्जी यूटिलाइज इंक्रीजेस। कल्चर एडवांस करता है जब एनर्जी हार्वेस्टेड पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा पर ईयर इंक्रीजेस, मतलब आपके एक साल में पर पर्सन कितनी एनर्जी अवेलेबल है ना, एक इंसान कितनी एनर्जी को यूज कर पा रहा है ना, तो उसके साथ वो अगर बढ़ेगा तो कल्चर भी एडवांस होगा, जो हमने ऊपर फॉर्मूला में देखा है। और एफिशिएंसी बाय विच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इंक्रीजेस, तो एफिशिएंसी बाय विच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, तो वही आपकी टेक्नोलॉजी कितनी एफिशिएंट होगी उस हिसाब से आपकी जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का वो भी बढ़ेगा, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ना, सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सिंपल इसमें आप सिंपल सा एक मैथ वाला कंसेप्ट समझ लो कि अगर ई बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, और अगर टी बढ़ेगा तो भी सी बढ़ेगा, है ना। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। फिर क्रिटिसिज्म हम लोग देख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको इतना ही याद रखना है जितना मैंने आपको स्लाइड्स में बताया है, सवाल यही से पूछा जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नॉट ओनली इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, समटाइम इट इज ऑल्सो डिवास्टेटिंग, एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ 1960s 70s। तो देखो आप लोगों को एक पॉजिटिव कॉनोटेशन मिला होगा टेक्नोलॉजी का, हमने जो फॉर्मूला में भी देखा है ऊपर, कि इसमें देखा है हमने कि आपकी टेक्नोलॉजी जितनी एफिशिएंट होगी, है ना, उतनी ज्यादा आपका कल्चर उतने अच्छे से आपका, उतना ही आपको डिग्री ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मतलब टेक्नोलॉजी एफिशिएंट, टेक्नोलॉजी आपकी ज्यादा एफिशिएंट है तो कल्चरल डेवलपमेंट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पर आपको भी पता है कि हमेशा ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला केस ले सकते हो, जब न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप हुई तो उससे कितना डिवास्टेशन हुआ था। तो जन नेसेसरी नहीं है कि आपका डेवलपमेंट ही होना है टेक्नोलॉजी डेवलप होने से, टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो ये इनका पहला क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा, ही डिड नॉट कंसिडर द रोल ऑफ डिफ्यूजन एंड हाउ द डिफ्यूज एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद द आइडियोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स। तो इनका इन्होंने ना डिफ्यूजन को ज्यादा कंसिडर नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना कि कई सारी टेक्नोलॉजी जो आपके पास आती है वो डिफ्यूजन की वजह से आती है, तो उन्होंने इस वाले एस्पेक्ट को छोड़ दिया था। सिंपल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज लेस्ली वाइट देख लिया है, तो हमारा न्यू एवोल्यूशनिज्म में तीन टॉपिक्स कवर हो गए, एक तो मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, उसके बाद यूनिवर्सल एवोल्यूशन जिसके अंदर हम लोगों ने गॉर्डन चाइल्ड और लेस्ली वाइट को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन को देखेंगे। आप लोग याद रखना, जो अभी हम लोगों ने यूनिवर्सल एवोल्यूशन देखा है ना, इसको और जो मल्टीलिनियर एवोल्यूशन है उन दोनों को कंबाइन करके ही जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन बना दिया जाएगा साइलेंस और सर्विस का, क्योंकि उनका मानना था कि भाई यूनिवर्सल एवोल्यूशनिस्ट भी सही है और मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिस्ट भी सही है। तो उसी के ग्राउंड्स पे उन्होंने जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन दे दिया था, हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।